नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा कि एमपी वोज यूजी बीए बीएससी बीकॉम का एडमिशन चालू हो गया है 2024 में। तो क्या रहेगी एडमिशन प्रक्रिया, कितना एडमिशन फीस रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, समस्त जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। साथ ही बताऊंगा लाइव प्रूफ के साथ कि किन किन कोर्स में एडमिशन शुरू हुआ है और लास्ट डेट क्या रहेगा। चलिए हम चलते हैं गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में आएंगे तो कैसे खोलेंगे, एमपी बीओयू एमपी ऑनलाइन सर्च करेंगे। हमारे सामने इस प्रकार से पहला पेज आएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने आएगा इस प्रकार से, हम सर्विस पर क्लिक करेंगे। सर्विस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से पेज खुलेगा। हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं मिल चुका है अप्लाई बीए बीएससी बीकॉम एनईपी फर्स्ट ईयर न्यू स्टूडेंट। ठीक है, नई शिक्षा नीति का यहाँ पर देख सकते हैं यह शुरू हो चुका है, यह शुरू। इस पर हम क्लिक करेंगे और पे अनपेड के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। चलिए आपको क्लिक करके दिखाते हैं। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस प्रकार से खुलेगा। और पहले आपको हम इसके डॉक्यूमेंट्स और फीस के बारे में बता देते हैं। इसमें देखा जाए तो डॉक्यूमेंट्स 10वीं 12वीं, आधार और पासबुक, फोटो, साइन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इतना लगेगा। ठीक है, और इसकी फीस आपको लाइव दिखा दूंगा। चलिए अगर हम देख लेते हैं बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट बीए, यहाँ पर हम आर्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद प्रोग्राम में देख लेते हैं, 10+2 यहाँ पर डालेंगे, रीजनल सेंटर डालेंगे। रीजनल सेंटर जैसे कि मैं यहाँ पर रिवा डाल देता हूँ, स्टडी सेंटर में मान लीजिए कि हमने यहाँ पर डाल दिया। इसके बाद यहाँ पर भोज, क्या आप भोज से बिलोंग करते हैं या नहीं बिलोंग करते हैं, भोज यूनिवर्सिटी नहीं। सब्जेक्ट में हम चलिए हिंदी डालते हैं, फिर यहाँ पर इंग्लिश डालते हैं, इसके बाद हम तीसरा सब्जेक्ट डालते हैं यानी मेजर माइनर सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स डाल देते हैं। इतना करने के बाद चलिए हम आपको बीए दिखाएं यानी 12th पास है, योग्यता का विवरण यहाँ पर डाल देते हैं। इसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी से पास हुए हैं, चलिए हम मान लेते हैं एमपी बोर्ड से पास हुए हैं, एमपी बोर्ड सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद यू हैव सेलेक्टेड एमपी बोर्ड, तो 12th का रोल नंबर यहाँ पर डालना होगा और पासिंग ईयर डालना होगा। पासिंग ईयर डालने के बाद यहाँ पर हम नीचे आपको फीस दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर शो फीस डिटेल, शो फीस डिटेल पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने कुछ इस प्रकार से फीस डिटेल शो करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि 2706 रुपये यानी बीए की फीस शो कर रहा है, 2706 बीए की फीस शो कर रहा है। अब चलिए आपको बीएससी की फीस दिखा देते हैं, फीस कितना है। आप सभी को कंफ्यूजन रहता है कि कितना फीस लगेगा, तो फीस आपको दिखा देते हैं। कॉमर्स का देखते हैं, कॉमर्स में हम यहाँ पर कॉमर्स ब्रांच यानी बीकॉम का देखते हैं। यहाँ पर जैसे रीजनल सेंटर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, रीजनल सेंटर सेलेक्ट करने के बाद हम कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं। नो डालने के बाद यहाँ पर एग्जाम पास, यहाँ पर 12th डाल देते हैं। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है तो इसको हम फिर से बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर रोल नंबर डालने के लिए आ रहा है, चलिए हम रोल नंबर नहीं डालते हैं। अभी हम फीस देख लेते हैं, फीस चेक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं शो फीस डिटेल पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ इस प्रकार से फीस सामने देख के आएंगे यानी 2936 रुपये देख सकते हैं बीकॉम का है। बीकॉम का कितना है, 2936 रुपये। उसी प्रकार से हम बीएससी बायो और बीएससी मैथ का भी चेक कर लेते हैं, आप सभी को दिखा देंगे फीस कितना है। यहाँ पर चलते हैं बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ साइंस में यहाँ पर सीबीजेड यानी कि क्या बोलते हैं केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी और पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो यहाँ पर केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी में हम देख लेते हैं यानी जो बायो बायो वाले होंगे उनके लिए हम यहाँ पर युवा चुन देते हैं, उनका फीस दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर चलिए हम फीस दिखा देते हैं आपको सबसे पहले, यानी बिलोंग भोज यूनिवर्सिटी नहीं है, वो पास 12th किए हुए हैं। 12th करने के बाद यहाँ पर आपको फीस दिखा देते हैं, नीचे हम जाकर शो फीस करते हैं। शो फीस करने के बाद हमारे सामने जो फीस दिखा रहा है देख सकते हैं 3171 3171 3171। ठीक है, 3171 फीस दिखा रहा है यहाँ पर। और चलिए ये हो गया हमारा बीएससी बायो से, और बीएससी मैथ से दिखा देते हैं। सीबी यहाँ पर पीसीएम डालेंगे यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यहाँ पर प्रोग्राम यानी 10th पर, 12th मतलब 12वीं मैथ से, यहाँ पर रीवा है, यहाँ पर हम योग्यता विवरण सब कुछ सही है। और इतना करने के बाद हम फिर से नीचे जाएंगे, शो फीस डिटेल पर क्लिक करेंगे। शो फीस डिटेल पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कितना फीस शो कर रहा है वहाँ पर देख सकते हैं 3171। कुल मिला के आपको बता दूं कि बीए का 2706 रुपये, बीएससी बायो का 3171 रुपये, और बीएससी मैथ का 3171 रुपये, और बीकॉम का 2936 रुपये फीस कटेगा। और डॉक्यूमेंट्स आपको देखिए क्या क्या जानकारी भरनी होगी, हम यहाँ पर बीए का भर के दिखाते हैं आपको। ठीक है, बीए आर्ट यहाँ पर बीए का हमने कर दिया। प्रोग्राम यहाँ पर 10+2 यानी फिर हमने यहाँ पर रिवा सेलेक्ट किया। यहाँ पर स्टडी सेंटर हम डालेंगे, स्टडी सेंटर हमारा गवर्नमेंट कॉलेज बढ़न रहेगा, यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज बढ़न डाल दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट, मेजर में हम लेंगे हिंदी लेंगे, इंग्लिश लेंगे, और एक कोई और एक सब्जेक्ट लेंगे, मेजर हो गया यानी कि सेलेक्ट टू से इंग्लिश हो गया, इंग्लिश सब्जेक्ट लेंगे। आप अपने हिसाब से बहुत सोच समझ के लेंगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश के बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स लेने के बाद ये तीन रहेंगे। इसके बाद फाउंडेशन कोर्स रहेगा, 12th क्लास डाल देते हैं। 12th क्लास के बाद यहाँ पर हम रोल नंबर डालेंगे, यहाँ पर चलिए हम डाल देते हैं बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसके बाद हम यहाँ पर रोल नंबर डालते हैं, 12वीं का रोल नंबर और ईयर डालते हैं।
यहाँ पर मैंने रोल नंबर डाल दिया है। रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा लोड लिया, लोड लेने के बाद यहाँ पर ईयर पूछ रहा है, हम चलिए ईयर डाल लेते हैं। ईयर डालने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं वेरीफाई बटन पर क्लिक करने के लिए करा, हम वेरीफाई बटन पर क्लिक कर देते हैं। वेरीफाई बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कितना नंबर में कितना नंबर पाए हैं, और ये सारी जानकारी हमारे सामने निकल के आ चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं रोल नंबर से वेरीफाई हो गया, 500 में 254 नंबर पाए हैं। ट्वेल्थ का स्ट्रीम यहाँ पर साइंस बायोलॉजी सेलेक्ट हो गया है। न्यू इनरोल यानी यूजी आ गया ऑटोमेटिक। यहाँ पर देख सकते डू यू सेल्फ लर्निंग मटेरियल आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, यस या नो अपने हिसाब से कर सकते हैं। यस करेंगे तो थोड़ा फीस लेगा और नो करेंगे तो आप इसमें यस नो कोई भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि एडमिशन टाइप डिस्टेंस मोड रेगुलर अपने आप आ रहा है। ABC ID है, ये ऑप्शनल है, आप कर सकते हैं चाहे तो डालें, नहीं चाहे तो नहीं डालें। अगर आप इसको नया बनाना चाहते हैं तो आप abc.gov.in पर इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। ABC ID जैसे ABC ID करेंगे तो abc.gov.in पर यहाँ पर आप बना सकते हैं। आधार मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, आपका संबंध बन जाएगा। यहाँ पर इतना डालने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मीडियम सेलेक्ट करेंगे, हिंदी इंग्लिश मीडियम जो भी रहेगा, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश मीडियम डाल लेंगे। चलिए हिंदी मीडियम डाल देते हैं। यहाँ पर नाम आ गया, अपने आप आ गया है, और हिंदी में नाम यहाँ पर डालेंगे, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पर जेंडर डालेंगे, यहाँ पर मैरिड अनमैरिड डालेंगे। पिताजी का नाम यहाँ पर देख सकते हैं आ चुका है, पिताजी का नाम आ चुका है, माता जी का नाम आ चुका है, यहाँ पर कैटेगरी OBC आ चुका है, और बाकी यहाँ पर OBC डाल दिया हमने। और यहाँ पर नेशनलिटी इंडियन डालेंगे, विकलांग है कि नहीं नो डालेंगे। इसके बाद लोड लेता है सारे पेजों में, इसके बाद नो करने के बाद रीजन डालेंगे, हिंदू मुस्लिम जो कुछ भी होंगे। इसके बाद एरिया डालेंगे, रूरल या अर्बन, रूरल डाल दिया मैंने। एम्प्लॉयमेंट यानी अनएम्प्लॉयड चाहते हैं कि नहीं। ID प्रूफ में आप वोटर ID, पैन कार्ड, गवर्नमेंट ID अप्रूव है, आधार कार्ड डालेंगे तो यहाँ पर गवर्नमेंट अप्रूव ID डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर फोटो ID प्रूफ का नंबर डाल देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि वोटर इज योर वोटर ID रजिस्टर्ड या प्रिपेयर, आपके पास वोटर ID है, यस या नो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बैंक का खाता नंबर आपको जरूर डालना होगा, ये कंपलसरी है, ठीक है। और सो फीस डिटेल पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर जैसे करेंगे हमारे पास 3171 फीस आ जा रहा है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर कितना है, मतलब डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है कि नहीं, यानी 10वीं है, मार्कशीट 12th का है, डोमिसाइल है, कास्ट है, ठीक है। यहाँ पर हम अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम अपनी 12th की मार्कशीट अपलोड करेंगे। इसको यहाँ पर हेयर बाई चेक करके यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आ जाएगा, हम पेमेंट कर देंगे। आपको डॉक्यूमेंट्स के रूप में 10वीं 12वीं फोटो सिग्नेचर आधार पासबुक मोबाइल नंबर ईमेल ID यही रखना है, ठीक है। जैसे सबमिट करेंगे हमारे सामने एक भुगतान नहीं है का पेज आ जाएगा, जो इस प्रकार हो। यहाँ पर हमारा आ चुका है अप्लाई होने के बाद, यहाँ पर उसको हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन नंबर कॉपी कर लेंगे। इसके बाद भुगतान पर जाएंगे, भुगतान पर जाने के बाद हम पेमेंट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो पे अनपे, अगर हमारा कुछ भी होता है तो एप्लीकेशन नंबर कॉपी करने के बाद पे अनपे पर जाएंगे। इसके बाद हमारा ले जाके एक कॉपी कॉलेज में जमा करना होता है, जैसे ही कॉलेज वाले अप्रूव कर देंगे लिख जाएगा कि एप्लीकेशन इज अप्रूव बाई कॉलेज बट पेंडिंग बाई यूनिवर्सिटी। आप यहाँ पर स्टेटस उसका चेक कर सकते, जैसे इनरोलमेंट नंबर कंप्लीट हो जाएगा आपको एग्जाम फॉर्म भरना होगा। कैसा लगा ये वीडियो, अच्छा लगा होगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के लिए, तब तक नमस्कार। कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में जरूर लिखें।